व्हाट्सअप गाइस, वी आर बैक अगेन विथ अनदर वीडियो। बहुत दिनों के बाद, मतलब बीमार पड़ने के लगभग 2 वीक के बाद आज मैं फिर से जिम आ चुका हूँ। तो आज मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ 4 ऐसे एक्सरसाइज जो बैक के होंगे, जो हमारे बैक को ग्रो करने में बहुत हेल्प करेंगे और हमारे बैक को बिग साइज देंगे और वी शेप देंगे। तो चलिए मैं अपने उन 4 एक्सरसाइज को आज खुद ट्राई करूँगा भी पहली बार, और आप लोगों के साथ ही मैं शेयर करूँगा। और इस वर्कआउट को आप यूज करके, इन 4 एक्सरसाइज को अपने वर्कआउट में यूज करके अपने बैक को आप अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ और आपको दिखाते हैं कि वो 4 एक्सरसाइज क्या है। लेट्स गो। सो अभी मैं सबसे पहले अपने इस वर्कआउट में यूज करूंगा सबसे पहला एक्सरसाइज होगा हमारा पुल अप, जो कि हम करेंगे टी बार से। मतलब इस बार से हम क्या करेंगे, अच्छी ग्रिपिंग करके, और ये थोड़ी सी टफ और इम्पैक्टफुल एक्सरसाइज है जिसमें हमारा पूरा बैक खुलने वाला है। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले हम इसे प्रेस करेंगे अपने पुलअप बार के ऊपर, और उसके बाद हम अपने पूरे बॉडी को ऊपर की तरफ पुल करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमारा पूरा का पूरा बैक खुलने वाला है, और इस एक्सरसाइज होकर के हमारे बैक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो सबसे पहला एक्सरसाइज मैं यूज कर रहा हूँ, और आप बैक देखिए पहले बैक पे कैसा असर पड़ रहा है। इस एक्सरसाइज को हम करेंगे इसके 10 रेपिटेशन, वो भी 4 सेट पे, 4 वर्किंग सेट होगा हमारा, जो 10 रेपिटेशन से होगा, और 10 रेपिटेशन से नीचे आना नहीं हमें। तो आपने देखा कैसे हमारा बैक इसमें अच्छे से इन्वॉल्व हो रहा था और हमारा पूरा बैक खुल रहा था। तो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज में रही होगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे एक्सरसाइज की तरफ। तो हमारा सेकेंड एक्सरसाइज होगा लैट पुल डाउन, जो कि हम करेंगे लैट पुल डाउन मशीन पे, जो नॉर्मली होता है। वो सबसे बेस्ट और सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज मुझे लगता है अपने लैट को पूरी तरह से खुलने के लिए और बैक को ये ग्रो करने के लिए। तो चलिए हम चलते हैं अपने लैट पुल डाउन की मशीन पे। तो हम इसे पहले प्लेस करेंगे अपने अकॉर्डिंग, जिस अकॉर्डिंग हमारा हाई इस पे अच्छे से रेस्ट हो पाए और हमारा जो लोअर बॉडी है वो मूव ना हो पाए, जब हम इस सेट को कंप्लीट करेंगे, मतलब सेट जब परफॉर्म करेंगे तब। तो मैं अपने हिसाब से करूंगा ये सही। और वेट हम कोशिश करेंगे कि अपने जितना हमारा एक्सरसाइज वेट है उससे थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे, क्योंकि हमारा बैक को जितना ज्यादा वेट से हम ट्रेन करेंगे उतना अच्छा ग्रो होगा, क्योंकि ये बड़ा मसल है और इसे ग्रो करने के लिए हमें ज्यादा वेट और ज्यादा एक्टिव वर्कआउट में करनी होगी। तो चलिए हम वेट बढ़ाते हैं। और इसे मैं प्लेस करने का मैं बात मतलब ये बता रहा हूँ हम इसे कहाँ प्लेस करेंगे। तो नॉर्मली अपने शोल्डर विड्थ के हल्का सा बाहर, मैं इस कर्व के पास पकड़ रहा हूँ, ये शोल्डर विड्थ के हल्का सा बाहर है, एकदम स्लाइटली ऊपर की तरफ स्लो। देखिए आप इसमें जो हमारा जो बैक है कैसे खुल रहा है और ये हमारे बैक को किस तरह से ट्रेन कर रहा है। इसी से आज हमारा लैट कैसे खुल रहा है, हम इसे पूरा अपने बैक की तरफ लैट को खोलते हुए तरीके से जो परफॉर्म करेंगे, और अपने एल्बो को हल्का स्लाइटली मूव करेंगे। ये देखिए स्क्वीज रिलैक्स, स्क्वीज रिलैक्स, स्क्वीज होल्ड रिलैक्स, स्क्वीज होल्ड रिलैक्स। देख सकते हैं जो बैक है वो कितने अच्छे से इंगेज हो रहा है, और हम इस एक्सरसाइज को करेंगे 12 रेपिटेशन करेंगे और 4 वर्किंग सेट के साथ। और हम इसे स्टार्ट करने से पहले 2 वर्किंग मतलब 2 वार्म अप सेट अप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम अपने वर्किंग सेट में जाएंगे, जो आपका जो एक्सरसाइज का जो वेट है उस वेट पे। तो चलिए हम चलते हैं अपने तीसरे बेस्ट एक्सरसाइज होता है हमारे बैक के लिए, उस एक्सरसाइज चलिए चलते। जो हमारा थर्ड हमारे बैक को ग्रो करने में थर्ड एक्सरसाइज जो हेल्प करेंगे वो हमारा एक्सरसाइज होगा बेंट ओवर रो। जिस एक्सरसाइज को मैं इसलिए अच्छा मानता हूँ क्योंकि इसमें हमारा जो हमारा लैट और हमारा होल जो ये बैक होता है वो अच्छे से इंगेज होता है और बहुत इफेक्टिव सेट। तो इसमें आप कोशिश करेंगे अपने वेट के हिसाब से
आप अपने एफिशिएंसी के हिसाब से वेट डालें और कोशिश करें जितना ज़्यादा वेट आप इस पर प्लेस कर सकते हैं अपने एफिशिएंसी के हिसाब से, मतलब ऐसा नहीं कि 100 kg लगा दें, अपने एफिशिएंसी के हिसाब से आप जितना ज़्यादा वेट इसमें प्लेस कर सकते हैं उतना बेहतर होगा। और इसे आप जब परफॉर्म करें तो सबसे पहले आप इसे अपने स्टैंड में डालें और उसके बाद एक ग्रिप बनाएं। अगर आपके पास स्ट्रैप है तो स्ट्रैप यूज़ करें, मेरे पास अभी स्ट्रैप लगाना भूल गया तो मैं बिना स्ट्रैप ही यूज़ कर रहा हूँ इसे। और इसे यहाँ से आप लिफ्ट करेंगे और सबसे पहले इसकी जो प्लेसमेंट होगी आप इससे मारेंगे तो बेल्ट होंगे पेल्विक बोन से, फिर इसको चेस्ट का बाहर और तब इस तरह से परफॉर्म होगा, ठीक है। और मैं आपको इस चीज़ को करके दिखाता हूँ। ऐसे हम बेंड हो जाएंगे, पहले फुल नीचे छोड़ेंगे, नीचे तो पूरा नीचे की तरफ छोड़ेंगे, बैक को देखेंगे, बैक को फोकस कीजिए, बैक इस तरफ यहीं आते हैं। और ये देखिए तीन लोग नहीं इस तरह से परफॉर्म करेंगे और हमारे इसमें लैट और हमारा पूरा का पूरा बैक इंगेज हो जाएगा और बहुत अच्छा एक्सरसाइज ये भी है। हमारा तीसरा एक्सरसाइज कंप्लीट है, कोशिश करेंगे इसमें 10-10 रेपिटेशन कम से कम और वेट हेवी रखेंगे और दो वर्किंग सेट, मतलब 4 वर्किंग सेट और 2 वार्म अप सेट हम जरूर कर लेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने चौथे एक्सरसाइज की तरफ। तो हमारा जो लास्ट एक्सरसाइज है वो हमारा सीटेड रो, जो कि हम इस तरह के हैंडल से मारेंगे। अगर आपके पास हैंडल है तो ठीक है, वरना भी आप नॉर्मल इस हैंडल से आप मार सकते हैं। तो चलिए हम इस हैंडल से मारते हैं और कोशिश करें कि हम अपने बैक अच्छे से स्क्वीज और रिलैक्स कर पाए। तो वेट हम अपने रिकॉर्डिंग करते हैं। इसे मारने के लिए आप पहले देखें नीचे चश्मा, ठीक है, और ज्यादा पीछे भी है। इसे हम लेंगे अपने एब्डोमेन की तरफ, ठीक है, मतलब जो हमारा एब्डोमेन है इस साइड यहाँ पे हम इसे स्लाइटली करेंगे, खींचेंगे ताकि हमारा लैट है वो अच्छे से स्क्वीज हो। तो इसीलिए हम इसे अपने एब्डोमेन की तरफ करेंगे और फिर रिलैक्स करेंगे और अपने बॉडी को ज्यादा आगे नहीं लेके जाएंगे स्लाइटली। तो चलिए दिखाते हैं। इस एक्सरसाइज के हम 10 रेपिटेशन मारेंगे और हेवी वेट तक जाएंगे और उससे पहले हम हर एक्सरसाइज से पहले 2 वार्म अप सेट जरूर मारेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे जॉइंट उस चीज के लिए रेडी है। सो ये थे हमारे 4 जो एक्सरसाइज जो बैक को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। आप अपने एक्सरसाइज से इन सारे एक्सरसाइज को अपने वर्कआउट में ऐड कर सकते हैं ताकि आप अपने बैक को बिग बना सके और अच्छे से ट्रेन कर पाए और ग्रो कर पाए। तो कोशिश यही रहेगी और मैं ये चैलेंज करता हूँ आप इन एक्सरसाइज को ऐड करो और तब अपने बैक में चेंजेस देखो आपके कितने अच्छे चेंजेस आते हैं और कितने अच्छे आपको पंप मिलते हैं। तो चलिए फिर अगले वीडियो में आप मिलते हैं वहाँ से, तब तक आप चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो लाइक कर दो। बाय बाय।